हेलो गाइस, आप कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पटेटो चीज़ बॉल्स। तो देखिए कितने ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहे हैं और बने भी बहुत टेस्टी थे। तो इसके लिए हमने क्या क्या मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं, ये देखिए। बेसन लिया हमने, बॉयल आलू लिए हैं, और हमने लिया है धनिया और हरी मिर्च, और चीज़ क्यूब्स लिए हमने, और ये ब्रेड स्लाइस लिए। हमने कुछ लहसुन की 8-10 कलियाँ और आधा इंच अदरक लेके उसको अच्छे से कूट लिया है, और जिसे कि हम अपने बैटर में ऐड करेंगे। ये हम बैटर ऐड बनाने के लिए हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, जिसमें हमने कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया। ये 1/2 चम्मच के करीब हमने मिर्ची डाली है, और 1/2 टीस्पून ही हल्दी ऐड किया है इसमें। और अब हम इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन को अच्छे से रगड़ कर डालने से उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह हींग का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने रगड़ के अजवाइन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। आप टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से बैटर रेडी कर लेंगे, घोल तैयार कर लेंगे। अब हम बैटर में पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, नहीं तो हमारा बैटर ज़्यादा गीला हो सकता है। और इसको अच्छे तरीके से फेंटते हुए हम अपना बैटर रेडी कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे। हमने जो बैटर बनाया था वो थोड़ा सा हमने पतला ही बैटर बनाया था, क्योंकि हमें इसमें ब्रेड को डिप करके बनाना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पतला बनाया था। और ये बैटर हमने पहले से बना कर रख दिया था, इस जिससे क्या है बेसन और फूलेगा तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हम दूसरा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने धनिया चॉप कर लिया है, और मैंने 2 हरी मिर्ची भी चॉप कर ली, बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और अब हम ये आलू जो हमने छील कर रख लिए थे, अब हम गैस पर हम अपना पैन चढ़ा देते। और इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया था, ये देखिए। अभी हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अब फिर हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, और फिर हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखी थी, बारीक चॉप करके। और हम आलूओं को थोड़ा सा हाथों से मसल कर इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पूरा अच्छी तरीके से पीस करके भी मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैंने हल्का हल्का इनको हाथों से ही मैश कर लिया था, ये देखिए। और अब हम इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, और बाकी के मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक का ले लिया है। हमारे बैटर में भी नमक है, तो आप उसके अनुसार ही नमक डालें इसमें। और अब हम इसमें हल्दी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर दिया है इसमें, और अच्छे से हम इसको भून लेंगे। पुदीने को भी अच्छे से चॉप कर लिया है, इसको हम आलू के मिक्सचर में ही डालेंगे। इसको बारीक चॉप कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ सके। और धनिया और पुदीने को हमने आलू के मिक्सचर में ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारा आलू का बैटर रेडी है, बट इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे हमें इसको लेके आएंगे, तभी हम इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी है। अभी 10-15 मिनट बाद ये ठंडा हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हमने चीज़ के क्यूब ले लिए हैं, ये अमूल चीज़ के क्यूब लिए हुए थे मैंने, और इनको अच्छे से निकाल लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इनके मैंने 4-4 पीस में इनको कट कर लिया था। ये देखिए इस तरीके से इनको कट कर लेंगे। चीज़ को हम कट कर लेंगे, और साथ में जो हमारे ब्रेड का ब्राउन पोर्शन होता है ना, इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होता है, तो ये फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है।
अभी हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और हमें ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सा साइड में से पानी लेके, साफ पानी लेके और इसमें ब्रेड में हमें पानी लगाना है ताकि हमारी ब्रेड जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और साइड साइड के कॉर्नर में ज़्यादा पानी लगाइएगा ताकि अच्छे से हम इसको फोल्ड कर सकें। और अब हम इसमें आलू का बैटर भरेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने पानी से सूख कर दिया है ब्रेड को, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। अब ये आलू का बैटर लेंगे हम इसको, जो कि पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसमें एक चीज़ का क्यूब रख दिया है मैंने और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है दबा के, इस तरीके से दबा के फोल्ड कर देंगे। अब चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी और भी ले सकते हैं। ये देखिए दूसरी ब्रेड का एक तरीका और भी है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको हल्का पानी से गीला करके इसको बेलन से इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, उससे भी आपका इजीली बन जाएगा। ये देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब हम इसमें अपना बैटर रख देंगे और बीच में एक चीज़ क्यूब रख देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको फोल्ड, आलू थोड़ा सा बाहर भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा आप चाहें तो पानी और लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ब्रेड को कर लेना है। ये मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाला है इसमें, फटाफट से आलू मिक्सर डाल दिया है इसमें और ये चीज़ क्यूब रख दिया है और इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। देखिए थोड़ा सा पानी लगाते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने हाथ में पानी डाल लिया है और इसको इस तरीके से जैसे हम लड्डू बनाते हैं उस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये आपको बॉल्स रेडी है। ये देखिए सारे ही मैंने ब्रेड के बॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ऑयल रख दिया है और ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें मीडियम ही ऑयल गर्म करना है। मतलब जब थोड़ा गर्म हो तभी हमें इसमें ऐड कर देने हैं। ये देखिए इसको अच्छे से हम डिप कर लेंगे बैटर में और बहुत सारे इकट्ठे नहीं डालेंगे, एक एक करके ही हम डालेंगे। ये देखिए आप चाहें तो गाढ़ा भी बैटर रख सकते हैं, बट मुझे बहुत मोटा मोटा बैटर नहीं करना था इसलिए मैंने पतला बैटर ही यूज़ किया। ये देखिए हमारे ये फ्राई हो गए हैं और हमें इनको धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। जब तक हमारे चीज़ बॉल्स रेडी हो रहे हैं तब तक हम इसके साथ में खाने के लिए चटनी रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, पुदीना की पत्तियाँ, ये सभी कुछ डाला है। आप चाहें तो इसमें केरी भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने इसमें टमाटर डाला था और ये भी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है इस तरह की चटनी, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। और इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारे ये चीज़ बॉल्स, ब्रेड चीज़ बॉल्स हमारे रेडी हैं, हम इसको निकाल लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा बहुत ओवर डार्क फ्राई नहीं करना है, मीडियम फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे ये। हमने एक और ये हमारे ब्रेड चीज़ बॉल्स डाल दिए। ये देखिए इनको भी अच्छे से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है।
ये देखिए फ्राई हो गए हैं, ये निकाल लिए हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितने टेम्टी लग रहे हैं और बने भी बहुत टेस्टी थे और हरी चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छे लगे थे ये खाने में। ये देखिए बनकर रेडी है हमारे ब्रेड पटेटो चीज़ बॉल्स। ये देखिए ये मैंने चाकू से कट करा है, ये अंदर इसमें चीज़ देखिए ये मेल्ट हो गया चीज़, और चीज़ भी हमारा सॉल्टी होता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका इसके साथ में। बहुत ही यम्मी बने थे, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।